उदाहरण दो, एक सीधी दीवार पर सीढ़ी इस प्रकार रखी गई है कि वह जमीन से 60 अंश का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद बिंदु दीवार से 4 मीटर दूरी पर हो तब सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल, माना कि एसी सीढ़ी है जिसकी लंबाई x मीटर है, अर्थात एसी बराबर x मीटर। दिया गया है कि सीढ़ी का पाद बिंदु ए दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है, अतः त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर हमारे पास 4 मीटर है तथा कोण बी ए सी जो है प्रश्न अनुसार 60 अंश दिया है, तब कॉस 60 अंश बराबर हम क्या लिखेंगे, कॉस जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारे पास है ए बी और कर्ण है हमारा ए सी। अब हम ये जानते हैं या कॉस 60 अंश का मान जो होता है वो 1/2 होता है, तो कॉस 60 अंश के स्थान पर हमने लिखा 1/2 बराबर ए बी जो है हमारा 4 मीटर है, तो ए बी के स्थान पे 4 मीटर बटा ए सी को हमने प्रश्न में शुरुआत में एक्स माना था एक्स मीटर, तो ए सी के स्थान पे एक्स मीटर। या जब हम x को तिर्यक गुणा करेंगे बाएं पक्ष में तो 1/x बराबर x, और 2 का तिर्यक गुणा करेंगे 4 के साथ में तो x का मान 8 आएगा। तो इस तरह से x बराबर 8 मीटर। तो हमने ज्ञात किया कि सीढ़ी की लंबाई AC जो है वो 8 मीटर हमने ज्ञात की, तो अतः सीढ़ी की लंबाई आठ मीटर होगी। तो यह इस उदाहरण का हल है।